ये आपको पता है गोइथे इंस्टीट्यूट का जो पेपर है ये सेम वही है पुराने पेपर, इससे आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में क्या आता है उसमें। सो श्राइबन का टाइल है ये 45 मिनट्स, पार्ट श्राइबन पार्ट लेजन 25 मिनट्स, श्राइबन 20 मिनट्स। इसमें देखो लेजन श्राइबन दोनों मिला के 45 है, जिसमें से लेजन के अराउंड 25 मिनट्स मान लो एंड श्राइबन के 20 मिनट्स, ये दोनों का इसमें आएगा। दिस इज टेक्स्ट हार्ट स्वाई टाइल है, 2 in 1। ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल, लेजन जी द बाइडन टेक्स्ट ओंट द ऑफ गाबन आइन बिस्फ्यून्फ, एक एग्जाम्पल दिया है एंड देन 1 to 5 इसी को पढ़ के आपको सॉल्व करना है। रिस्टिश फॉल्स, इंफॉर्मेशन राइट है कि रॉन्ग। रिनाटे इस नेक्स्ट वॉक है इन वाइमार, रिस्टिश बोला है, देखते हैं इसमें। लीबेनोरा इस बिन नेक्स्ट वॉक है ड्राई टागे फोन मोन्टाग बिश मिट वॉक इन वाइमार। इश्मोस फील आर बाइटन हबे फील ए टर्मीन है आबर अमडीन स्टाग अब आक्सन हुआ हबे साइट क्यों नहीं वे उन्स दंजेन इश्वोने इम होटल ड्राई क्रोनन क्रोनन इन डेयर पाक स्टार्स है दस होटल हाट आइन जेर गुटस रेस्टोरेंट वी क्योंन डॉट इन गेन वस डिंग्स डू इश फ्रॉय मिश ऑफ डिश। ओके आलजो रेनाटे इश नेक्स्ट वॉक है इन वाइमार, इस द सृष्टि शोडर फॉल्स दिया हुआ ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके रिनाटे मार्क्ड इन वाइमार उरलाउब, यस बिकॉज इट्स बिन इन फोन मोन्टाग बिस मिट वॉक बिनिश इन वाइमार इश्मूस फील आरबाइटन, इट मींस छुट्टियां मनाने तो नहीं आ रही, वो काम के पर्पज से ही आई है, तभी उसने बोला इश्मूस फील आरबाइटन, बट हम लोग मिल सकते हैं। सो दस इज फॉल्स। जी म्योस्टे आम आबेंट मिट नोरा सुजामन एसन इन द इवनिंग, नोरा के साथ वो खाना खाना चाहती है या रिस्टिश, तभी तो दस होटल हाट आइन जेर गुटेस रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में कोई क्यों जाता है, खाने जाता है। वेर क्यों नन डोट इन गेन कम विल गो देयर। ओके सो दस इज रिस्टिश। देन ओनली टू क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट नाउ लीबे स्पोर्ट फ्रॉइंड फॉर्म फेराइन ऑक्सन हंड्रेड जैक्सन नॉइंसिस आउख दिजे सियार वोलन वी वीडर उंजरन जोमर आउसलूग माखन आउख दिजे सियार वी आर फारन मिड इन बूस एंड इन ड्यूमाजे डॉर्ट वोलन वी वंडर्न उंट इन आइनम नेटन रेस्टोरेंट सुमिटा गेसन अ पार्ट इज आम जीवन ऑन स्वांसिस्टन यूनी नॉइन वर फोर डेम फ्राइन हाउस द बूस फार्ट कोस्टेट सेन ऑयरो प्रो पर जोन दस एसन उंट दी गित्रेंक है साल्ट येडर अलाइन लीबे फ्रॉइंड है बिटे मिल्डे टॉइच बाल्ड आन बिस दन दी स्पोर्ट फ्रॉइंड है माखन येडन जोमर आइनन आउस फ्लूग एवरी समा फॉल्स आउख दिज इस यार ऑल्सो दिस ईयर वी आर गोइंग ऑल्सो दिस ईयर मीन्स एवरी ईयर वी गो ऑल्सो दिस ईयर। सो ये इनका ट्रेंड ही बना हुआ है, सो दैट्स वाई दिस इज रिस्टिश। डेयर बूस वार्टेड फॉर डेम फ्राइन हाउस द बस विल वेट इन फ्रंट ऑफ दैट फ्राइन हाउस, रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स। दस इज रिस्टिश, लिखा है अप पार्ट मतलब डिपार्चर है आम जीवन उन स्वान सिस्टन यूनी नॉइन वर फोर डेम फेराइन हाउस, क्योंकि दी बूस पार्ट यहीं से तो है बस का डिपार्चर, तो बस विल बी वेटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ। ओके डियर बूस वार्टेड फोर डेम फेराइन हाउस फ्यूर दी फार्ट उन्ट दस एसन विथ साल्ट येडर सेन ऑयरो फ्यूर दी फार्ट
फॉर द ट्रिप, मतलब उसकी जो बस का कॉस्ट एंड खाने का कॉस्ट दोनों मिला के 10 यूरो है, इज इट करेक्ट? और कहाँ लिखा है? नो फॉल्स, बिकॉज फ्योर दी फार्ट उंट दस एसन, इसने बोल दिया खाने का और बस का दोनों का 10 यूरो है, लेकिन यहां पे देखो क्या है, दी बूस फार्ट कॉस्टेड 10 यूरो प्रो पर जोन। ये बात खत्म हो गई कि बस की जो कॉस्ट है वो है 10 यूरो, तो दस एसन उंट गितरेंग के साल्ट येडर अलाइन। अपना खाने पीने का हर कोई अपना अपना देगा, साल्ट येडर अलाइन मीन्स इंडिविजुअल विल पे फॉर द फूड एंड ड्रिंक, दिस इज ओनली फॉर बस। नाउ बाकी के क्वेश्चन 6 से 10 तक इस टाइप के हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन वेर यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। लीजन जी द टेक्स्ट है, टाइल स्वाई सेकेंड पोर्शन, लीजन जी द टेक्स्ट है उन दी ऑफ गाबन जैक्स बिस सेन वो फिंडन जी इंफॉर्मेशन फ्रॉइन क्रॉइटसन जी आन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको जहां मिलेगी उसको क्रॉस करना है, जैसे एग्जाम्पल दिया इसने जी वोलन विसन रिग्नेटेस इन डॉइचलैंड। यू वॉन्ट टू नो कि जर्मनी में बारिश इस टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, आपको ये पता करना हो तो इसमें पता चलेगा कि उसमें पता चलेगा। ये तो एग्जाम्पल है, इसमें देखो आंसर दिया हुआ भी है बी, एंड क्यों? क्योंकि डोइचर वेटर डिंस्ट, जर्मन वेदर सर्विस मौसम विभाग बता रहे भाई, वेटर उन क्लीमा वेदर एंड क्लाइमेट, वेटर अक्टुअल मिंट लेटेस्ट, अक्टुअल का मतलब लेटेस्ट करंट वेदर की इंफॉर्मेशन यहां मिल सकती है। वार्नुंगन वार्निंग उमवेल्ट्स इन्फो और भी क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां मिलेंगी। ये वाला तो है ओपन एयर कॉन्सर्ट, ये तो कॉन्सर्ट के लिए है, फंडेड बाय रेगन इंडियर स्टार्ट हॉल है, अगर बारिश होगी तो हॉल में हो जाएगी कॉन्सर्ट, बट वेदर की इंफॉर्मेशन थोड़ी मिल रही है, वो तो वहां मिलेगी वेटर डिंस्ट। ऐसे ही दी स्टूडियरन इन फ्रैंकफर्ट उंड म्योस्टन आइन वोनुंग मिटन, जी स्टूडियरन इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में आप स्टडी करते हो उन म्योस्टन आइन वोनुंग मिटन, आपको एक हाउस एक फ्लैट किराए पे लेना है, सो वेर यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन। आ द आंसर इज आ, व्हाई? बिकॉज यहां तो बेचने के लिए है, देखना अगेंटूर एजेंसी है, वियर फिंडन फ्यूर्जी आई नोए सुहाउज है ए न्यू होम ग्यूनस्टीग है काउ फंगे बोट है, आपके पास कुछ ग्यूनस्टीग है रीजनेबल प्राइस पे खरीद सकते हो, काउ फंगे बोट है खरीदने की बात है, होइजर मतलब हाउसेज फ्लैट्स अपार्टमेंट्स वो दिया है, और यहां पे वोन गेमाइन शाफ्टन, स्टूडेंट्स जनरली विगेज में रहते हैं ना, जो फ्लैट शेयरिंग फ्लैट्स हैं उनको वोन गेमाइन शाफ्टन बोलते हैं, प्लेट्सम स्टूडेंट एन वोन हाइम आइन ओडर स्वाइट सिमर वोन उंगन, और आपको तो किराए पे लेना है भाई, मीटन वोन उंगन मीटन यू विल गेट हियर, आ इज द आंसर। जी म्योस्टन विशन वी कॉम्प्ट मान फोन हम्बुर्गर बानहॉफ सुम हम्बुर्गर फ्लूगहाफन, वी कॉम्प्ट मान फोन हम्बुर्गर बानहॉफ सुम हम्बुर्गर फ्लूगहाफन, बानहॉफ रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक कैसे आएंगे, कैसे पता चलेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? बे?
ओके यस, बिकॉज इसमें तो फ्लूगहाफन उंजरे सर्विस लाइस्टुंगन फ्लूगहाफन होटल होटल रेस्टोरेंट आइनकाउफन ये सब है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें अपफ्लूग अनकुंफ पार्कन फ्लूगहाफन बूस बस है इसमें जो आपको लेके जाएगी। हमबुर्ग हाउप्टबानहोफ हमबुर्ग अल्टोना यहां पता चलेगा आपको, आप इस बस से आ सकते हो वहां, ठीक है। देन जी जूखन इन अंगेबोट फ्यूर ईर उर्लाउप्स राइज है सम ऑफर यू आर सर्चिंग फॉर योर जर्नी हॉलीडेज के लिए। सो सी फाइंड आउट यू रीड योर सेल्फ आ उड बे ऑफर हॉलीडे ऑफर। बे ओके यस, यहां पे बे बिकॉज इसमें क्या है, इसमें राइज लार्डन बीटेट आन होइटा आबेंट अक्टवेल माइनस शॉनस्टर राइज है उंजरे मिट आरबाइटर अर्सेलन इरन एक्सपेडिशियोनन मींस यहां तो लोग अपने एक्सपीरियंस के बताएंगे कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो, तो इसमें कोई ऑफर ऑफर नहीं दे रखा, ये तो कोई एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रोग्राम जैसा कुछ है। यहां पे स्पानियन अपफ्लूग जीवन उन फ्रांसिस्टन आख्टन सो ऑफर कितने पैसे में होटल जोलर ड्राइव हंडर जिप्सिस ऑयरो वॉक है दिस टुर्काई जाना हो तो इतने यूरो में, सो दिस इज ऑफर। सो बे इज द एंटवर्ट लास्ट मिनट लॉन्ग डे जी जुखन आई नो वो फ्यूर इन उर्लाउब हॉलीडेज में आपको बुक करना है कोई हाउस। बे ओके ए में के दे रखा है आ में शो ने द्राइट सिमर वोनुंगन इम सेंट्रम फॉर्म पेटा ओडुंग फिंग मिनुटन सुम मेया। बे में फेरियन हॉइजर वोनुंगन तो इसी से पता चल गया फेरियन हॉइजर और वोनुंगन। फेरियन हॉइजर का मतलब है दीज हाउसेज दीज फ्लैट्स आर स्पेशली फॉर हॉलीडेज अल ग्रियोसन मीन्स इन ऑल साइजेस बड़ा छोटा किस तरह का चाहिए दस गान से यार होलियर एनी टाइम यू कैन बुक आउक हाउस इन इंजल ऑल्सो फॉर आईलैंड यू कैन सी हियर सिल्ट इज नेम ऑफ द आईलैंड सो हियर यू विल फाइंड दैट। यहां तो सिंपल इसने बोला है नॉर्मल कहीं मान लो कि सिटी के बीच में आपको रहना हो तो द्राइट सिमर वोनुंग इम सेंट्रूम राइट सिटी के सेंटर में आपको 3 BHK मिल रहा है तो अपन को तो वोनुंग कोई कोई सिटी में रहने थोड़ी जाना है उर्लाउब सो हॉलीडेज के लिए स्पेशली फेरियन होइजर उन वोनुंगन या एंड सेकंड वन सर दैट दैट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जनरली दिस उर्लाउब हाउसेस डू नॉट मेंशन अबाउट कल्ट एंड नेवर कॉस्टम सो दिस इज फॉर द रेगुलर यस रेंटल हाउसेस दिस इज रेगुलर यस यस कल्ट नेबन कॉस्टन एक्स्ट्रा दैट्स राइट मींस yes so this is not the answer this is the answer right sie arbeiten in deutschland in ihrer freizeit möchten sie fußball spielen in your free time you want to play football so see just go through and see free time you want to play you want to enjoy experience आ ऑर्डर बे सर आ ओके बाकी लोगों को क्या लग रहा है बे बे आंसर बे यू आर ऑल्सो फॉर बे यस बे इज द आंसर व्हाई सी जी आरबाइटन इन डॉयचलैंड यू वर्किंग इन जर्मनी एंड इन योर फ्री टाइम यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल एंड हियर अक्टवेल इन्फॉर्मेशन एंड आउस्टर वेल्ट डेस फूसबॉल्स
यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी फुटबॉल से संबंधित जानकारियां हैं, लेटेस्ट करंट अपडेटेड रहना है, सो ये देखो, हियर फिंडन जी आले यूबर फूसबाल, मतलब वर्ल्ड पे कौन सी टीम कब जीती, फूसबाल स्टार्स, फुटबॉल स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दी मानशाफ्टन फुटबॉल टीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, गेम्स कब कब बड़े अच्छे गेम हुए, अर्गेबनीश है उनका क्या रिजल्ट रहा, आपको वो बाकी की दुनिया भर के गेम से मतलब नहीं, आपको तो खेलना है। सो विल सर फ्राइन फ्योर माइन स्पॉट, विच क्लब इज फॉर माई स्पॉट, क्लिक इन जी अन यू क्लिक अबाउट दिस एज पर योर इंटरेस्ट, सो टेनिस स्क्वेस लेसन एथलेटिक राड स्पोर्ट फूसबॉल बास्केटबॉल स्विमन वॉसरबॉल, सो फूसबॉल इज आउट द, सो इट इज फॉर यू, यू कैन कम ज्वाइन एंड प्ले, सो बेस द एंटवर्ट। नाउ सी थर्ड वन, लीजन थर्ड पार्ट हियर, टाइल ड्राई लीजन जी द टेक्स्ट उन द ऑफ गाबन एल्फ बिस फ्यूनसन क्रोइसन जी अन रिस्टी शोल्डर फॉल्स Undid your dear sprach schule on the gate of a language school, लैंग्वेज स्कूल के इंस्टीट्यूट कोई स्कूल के गेट पे ये लिखा हुआ है। नाउ दिस इज एग्जाम्पल, सुम डॉयच लर्नन गेन जी इन दी बिथोवन स्ट्रासे ड्राई उन स्वांसिश, जर्मन सीखने के लिए इस पे जाना है, गेट पे क्या लिखा है, स्प्राक सेंट्रोम दस स्प्राक सेंट्रोम इस्ट उमगे सौगन, अब ये लैंग्वेज सेंटर ने अपना एड्रेस बदल लिया है, जी फिंडन यस्ट इन डियर बिथोवन स्ट्रासे ड्राई उन स्वांसिश, नाउ यू विल फाइंड अस हियर, सो फॉर जर्मन यू विल गो देयर नाउ राइट, सो रिस्टिश नाउ आम फारकार्टन ऑटोमैट, फारकार्टन ऑटोमैट जहां से आप टिकट खरीदते हो, जैसे अपने एटीएम मशीन होती है वहां पे इस तरह के एटीएम से लगे रहते हैं, खुद ही टिकट लेनी होती है, सो उस पे है ये मैसेज, सी am jam stark können sie und ihre freunde mit dem ticket für 29 euro fahren on saturday you and your friends on saturday you can travel if you pay 29 euro mr srishti should have falls distish okay जामस्टाग क्या लिखा है इसमें, आइन टाग फ्यून परजोन एंड नॉन फ्रांसिस होयरो देर इज ए स्पेशल बायरन टिकट, हाँ लेट मी चेक, आइन टाग वन डे फ्यून परजोनन एक दिन और पांच लोग 29 यूरो में ट्रेवल कर सकते हैं, बायरन टिकट बोलते हैं इसको, मोनटाग उंट फ्राइटाग, अब 9 ओवर मंडे एंड फ्राइडे को तो सुबह 9 बजे से ये टिकट वैलिड होगी, आम वोखन एंडे ऑन वीकेंड फोन जैक्स बिस फिर उन स्वांसिस, सुबह 6 बजे से ही वैलिड हो जाएगी, तो सैटरडे को आप जा सकते हैं क्या, रिस्टिश रिस्टिश इम होटल सिमर लीबे गेस्ट है, ओके यू रीड दिस टेक्स्ट, नाक स्वाई उन स्वांसिस हुआ कॉमन दी कॉमन जी निस्ट मेयर इन होटल आफ्टर 22 o'clock यू कैन नॉट कम इन द होटल, सी एज पर दिस मैसेज, रिस्टिश और फॉल्स, बट यू हैव सेड False, yes. After 10 o'clock in the evening, you cannot come. ऐसे लिखा है. Kommunist mayor in hotel. But यहां क्या लिखा है? Liebe Gäste, dear guests. मतलब जो भी वहां रहते हैं होटल में आके. अब 21 Uhr ist die Haustür geschlossen. होटल का जो मेन गेट है 21 o'clock मतलब रात को 9 बजे बंद हो जाएगा. ठीक है? Bitte nehmen Sie Ihren सीमर श्लूसल मिट, सो यू टेक योर की अपने रूम की चाबी है वो साथ लेके जाना, एयर इस्ट आउट डेयर हाउस श्लूसल जो आपकी रूम की चाबी है वही होटल की चाबी है, सो आ तो सकते ही है, मिलेगा नहीं खुला, आपको खुद खोलना है,
but you cannot come, this information is false. Okay. Eingang restaurant, रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे ये लिखा हुआ है. सो आम जोनटाग मिटाग संडे नून क्योंन जी इन दिजम रेस्टोरेंट एसन. संडे नून को आप खेल सकोगे, वहां पे खाना खा सकोगे या नहीं? जोनटाग मिटाग. ओके चेक करते. वी हैबन फ्यूर्जी टैगलिश फोन एल फोर राइसिस बिस फ्यूनसन उआ उन फोन अक्सिन बिस स्वयं फ्रांसिस उअर गियोफनेट आउ कम वॉक एन एंड यस यू कैन गो एंड ईट बिकॉज इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वीकेंड्स. जोनटाग मिटाग दोपहर में, यस बिकॉज 11:30 से 15 या तो दोपहर तो वही हो गया. यू कैन गो एंड ईट रिस्ट्रिश इम कुल्टवर फेराइन मान कान दीजन जामस्टाग आबेंट आइन फिल्म जेहन ऑन दिस सैटरडे इवनिंग यू कैन सी ए फिल्म. सी रिष्टेश मान कान फिल्म जैन येडन जामस्टाग एवरी सैटरडे एट 8 o'clock. सो दिस सैटरडे ऑल्सो ऑफकोर्स एवरी सैटरडे एंड देन नेम ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो गिवन इम यूली दिस इज द नेम ऑफ द फिल्म. ओके इम बानहॉफ रेलवे स्टेशन दिस इंफॉर्मेशन इज देयर फारकार्टन क्योनजी अन आलन साल्टन बिकॉमन. किसी भी काउंटर पे आप टिकट खरीद सकते हो. इज दिस रिस्टिश और फाल्स? दिस इज फाल्स. कार्टन फरकाउफ ऑन शाल्टर आइंस बिस ड्राई इंफॉर्मेशन ऑन शाल्टर फियर. सो ऑन फोर्थ देर इज ओनली इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट परचेज टिकट हियर. टिकट यू कैन परचेज फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम 1 to 3. सो दस इज फॉल्स. हर एक से नहीं केवल 1, 2, 3, 4 टिकट्स. ओके देन दिस वॉज एक्चुअली द लीजन पार्ट. लीजन पार्ट इज ओवर. नाउ श्राइबन पार्ट देखेंगे हम लोग. श्राइबन पार्ट में क्या करते हैं? इरेफ्रॉइंडिन आपको ये इंफॉर्मेशन जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी होती है. तो ये श्राइबन मान लिया जाएगा. स्प्राक शूल है, कोई लैंग्वेज स्कूल है. यहाँ पे गेबूस्टॉर्ट डेट ऑफ बर्थ लिखना है उसमें से देख के. आंद्रे स्प्राक है, विच लैंग्वेजेज डू यू स्पीक अदर देन योर मदर टंग. ओके द अदर लैंग्वेजेज विल बी हियर. शॉन डॉइच किलन हैव यू लर्न जर्मन या वी लांगे हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लर्न. मतलब कितने दिन आपको सीखनी है, कब से कब तक आपके पास टाइम अवेलेबल है. कुर्स टर्मिन, कुर्स टर्मिन का मतलब किस टाइम पे, किस टाइम पे मतलब सुबह शाम दोपहर में. ओके एंड कुर्साइट टाइमिंग्स. ओके ये इसमें से हम लोग क्रॉस कर देंगे. देखते हैं इसमें जनरली कोई फॉर्म फिल करना होता है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है इरेफ्रॉइंड इन दिस इज द नेम ऑफ द फ्रेंड आउस फ्रंक्राइश गिबोरन आम जीपसन टन फियटन नॉइंसन हुडर ड्राइव नॉइंसिस इन लियोन म्योस्टेफोन एर्स्टन बिस सोम आक्टून स्वान सिस्टन अगस्त एंड इन डॉइच कोर्स इन डॉइचलैंड बिजुखन जी हार्ट शोन जेक्स मोनाट डॉइच गिलर्ट जी हार्ट आम फोमिटाग साइट इन डर शूल है हार्ट जी इंग्लिश गिलर्ट हेल्फन जी इरर फ्रॉइंड इन ओंड श्राइबन जी दि फ्योन फेलेंडे इन्फॉर्मेशन इन दस फॉर्मुलर आम एंड श्राइबन जी इर ल्यूजुंगन बिटे ऑफ्टन एंड वोट बोगन. सो एक एक करके देखते हैं हम लोग. गेबूस्ट ऑर्ट दिया हुआ है कि इसमें कहाँ है? सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड
गिबोरन आम इन लियोन, यस, सो दिस इज द प्लेस लियोन. सेकेंड इंफॉर्मेशन, आंद्रे स्प्राखन विच लैंग्वेजेस स्पीक, ओके इंग्लिश, बिकॉज जर्मन तो उसको सीखनी है और मदर टंग उसकी फ्रेंच है, अदर लैंग्वेज कौन सी बोलती है, इंग्लिश आ जाएगा इसमें, यहाँ दे भी रखा है. शॉन इंग्लिश, इंडरशूला हार्जी इंग्लिश के लर्नड, यस इन द स्कूल सी हैज लर्नड इंग्लिश. थर्ड वी लॉन्ग है, कब से कब तक कोर्स करना है भाई उसको, वी लॉन्ग है जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, कितना लंबा, नो सर, वो तो सीख चुकी, जी हार्ट शोन जैक्स मोनाट गिलंट, ऑलरेडी सीख चुकी, तभी तो इसने क्रॉस किया शोन डोइच गिलंट या जैक्स मोनाट है, लेकिन अभी कितना कब सीखना है, कितने कब से कब तक, यस यू हैव टू मेंशन, यस फ्रॉम एर्स्टन बिस्सुम अक्टून स्वांसिस्टन अगस्त, सो ये टाइम आपको लिखना पड़ेगा इसमें कब से कब तक, कुर्स टर्मिन और किस टाइम पे दे रखा है कि इसमें, सर एक्चुअली वो कंफ्यूज हो रहा है, आई मीन आई थॉट इट्स 6 मंथ्स शी लर्न, आई मीन लाइक डिड शी लर्न जर्मन, यस हाउ मेनी मंथ्स शी लर्न, 6 मंथ्स, देन मे बी द नेक्स्ट वन लाइक यू नो कुर्स टर्मिन फ्रॉम वो ऐसा है क्या, मतलब मुझे कंफ्यूज हो रहा है, अब शोन डॉइच गिलंट, ओ यस यू आर राइट, यू आर राइट, सही कह रहे हो आप कि ऑलरेडी जर्मन सीख ली, यस कितने टाइम तक सीख ली, 6 मंथ आएगा इसमें, यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम, वी लांग है जेक्स मोनाट है कि जर्मन कितनी सीख ली उसने, उसने ऑलरेडी जेक्स मोनाटे डॉइच गिलंट ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसीलिए वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है उसने, शोन डॉइच गिलंट या वी लांगे जेक्स मोनाट है, यस एंड कुर्स टर्मिन, अब आपको कब से कब तक सीखनी है ये आएगा इसमें, इसमें आएगा वो वाला, करेक्ट यू आर राइट, फॉर्म एर्स्टन बिस्सुम अक्टून स्वांसिस्टन, यस यू आर राइट, ये आएगा और फिर फिफ्थ में टाइमिंग, कब कब टाइम है उसको, कहां पे है, जी हार्ट आर्म फॉर्म अटैक, फॉर्म अटैक कौन सा टाइम होता है, नो नो ये तो नाक में टाग है, 9 to 12 मतलब 12 बजे नून है उससे पहले का फॉर्म अटैक और 12 से 2 के बाद का, 2 से 5 को या 1 से 4 को, हाँ वो नाक मिटाक हो जाता है, ओके सो इसमें आ जाएगा ये वाला 9 bis 12, वेरी नाइस, ये डन, इसमें फिर एक लेटर और इसमें है, जी म्योस्टन इरन गिबूरस्टाग फायरन उन इरे फ्रेंडे सुजान है उन पाउल आइन लाडन, यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करना है, श्राइबन जी आन सुजान है उन पाउल, उनको इनवाइट करना है, वारूम श्राइबन जी, क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि गिबूरस्टाग है, टाग उंडवर साइट कब आना है उनको, कॉमन वी कैसे आएंगे, इन तीन पॉइंट पे लिखना है, श्राइबन जी सु येडम पॉइंट आइन बी स्वाइजित से ट्रांसपोर्ट बोगन सिरका ड्राइसिस प्योटर श्राइबन जी औ खाइना अनरेड उन ग्रुस, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तो एक तो अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं हम लोग, सो कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल होगा हमेशा फ्रेंड्स को, तो नाम भी दे रखे हैं क्या फ्रेंड्स के, सुजान है और पाउल, यस बोलो, लीबे सुजान है लीबर पाउल, या तो दोनों अलग अलग मेंशन कर दो या फिर लीबे सुजान है उन पाउल कॉमा
लीबे सुजाने उन पाउल, दोनों को अलग अलग करोगे तो लीबे सुजाने लीबर पाउल. ओके, व्हाई द पर्सन इज राइटिंग? पहले बोल दो कि उसका बर्थडे कब है. जी म्योस्टन इरेन गेबुरस्टाग फायरन, इसमें आप खुद डिसाइड करोगे. आप बोलो, आप बता दो कि इस डेट को मेरा बर्थडे है एंड आई वांट टू इनवाइट यू. वन मिनट सर, बी बैक, आई जस्ट क्लोज द विंडो. ओके, या इश हाबे गेबुरस्टाग Fünfzehnten, fünften und warum schreiben Sie? Birthday है और उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं. Tag und Uhrzeit, ठीक है. Und ich lade euch. पार्टी आइन, आई हैव बर्थडे ऑन 15th मई एंड आई एम इनवाइटिंग यू. ओइश लिखा है दोनों के लिए, इनवाइटिंग यू. सो पहली बात तो क्यों लिख रहे हो, बर्थडे है और आप इनवाइट कर रहे हो. अब टाग ऑन ओवर साइड, तो टाग की तो आप अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. ओवर साइड, पार्टी कब स्टार्ट होगी, पार्टी कब स्टार्ट होगी. जैसे मान लो आप ये कह सकते हो कि पार्टी विल स्टार्ट इन द इवनिंग एट 7 o'clock मे बी. सो यहां पे लिखता हूं मैं, द पार्टी विल स्टार्ट इन द इवनिंग एट 7 o'clock. कैसे बोलोगे, द पार्टी बिगिंट. 7 का कितना हो गया जर्मन के हिसाब से लिखेंगे तो 19. नोइनसेन उवर, द पार्टी बिगिंट नोइनसेन उवर. ओके, कॉमन वी कैसे आ सकते हैं, इर्क इर क्योंट मेडम्बूस बूस बूस लिनिया लिनिया हंड्रेड कॉमन. यू कैन कम बाय बूस लिनिया या बूस नंबर हंड्रेड. ओके, फिर बोल दो कि क्या करेंगे आप चाहो तो. Wir tanzen. Aber ist mein Horn so war da, ich hier kommt mit dem Bass den ihr 100 Komma. नहीं दोबारा थोड़ी, नहीं दोबारा की जरूरत. क्योंट, ये क्योंट है, क्योंट मुडाल वर्ब है ना, क्योंट. सो मुडाल वर्ब के बाद में मैन वर्ब कॉमन, ये क्योंट. तुम लोग बस नंबर 100 से आ सकते हो. वीर तानसन machen Musik und haben viel Spaß. Wir tanzen, genießen, okay? Und last में क्या लिखते हैं, end कैसे करते हैं letter का? Viele Grüße. Viele Grüße. V capital आएगा. Viele Grüße. और फिर अपना नाम, लास्ट में अपना नाम लिख सकते हो. मान लो अमित लिख रहा है तो अमित लिख देगा अमित, इसके जस्ट नीचे पूरा नाम नहीं लिखते, केवल फर्स्ट नेम. लीबे सुजाने उन पाउल इश हाब गेबुरस्टाग. कोमा के बाद में हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है. ये कैपिटल से स्टार्ट किया आपने, लीबे बोल दिया दोनों को एक साथ,
अलग अलग बोलते, तो लीबर सुजान है, लीबर पाउल ऐसे भी लिख सकते थे। स्टार्ट किया कोमा के बाद में इसलिए स्मॉल आया। इश हाब गिबूर स्टाग आमशुन सिंटन माई ओंट इश लाडे ओ इश शुअर पार्टी आइन आई एम इन्वाइटिंग यू। और फिर दी पार्टी बिगिन उम नोइनसेन उअर, पार्टी शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ईयर क्योंट मिड डिम बूस लिनियर हंड्रेड कॉमन, यहां पे इनमें से एक ले लोगे आप। वियतानसन गिनीशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो वी वर्डन फील्स पास हाबन, या वी एसन तानसन माखन मुजीक फील ग्रूस है अमित, ऐसे करके आपको एक छोटा सा लेटर लिखना होता है। तो ये आपका श्राइबन भी हो गया और लेजन भी हो गया। इसमें आप लोगों का कितना क्या स्कोर रहा है वो आप जानते हो।